हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम जी। टेक्निकल बिग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस तरह ऑडियो एम्पलीफायर को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी CTC1351 एक पीस ट्रांजिस्टर, उसके बाद चाहिए 16 वोल्ट 470 माइक्रोफेरेड एक पीस कैपेसिटर, 180 ओम एक पीस रेजिस्टेंस, चाहिए एक पीस एल्यूमिनियम हीट सिंक, 3.5 mm एक पीस ऑडियो केबिल। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर के जो पहला पिन है वो है कलेक्टर, मिडिल में है बेस और तीसरी पिन है इसका एमिटर। सबसे पहले ट्रांजिस्टर के सभी पिन के ऊपर सोल्डर लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर पिन है उसके ऊपर कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, 180 ओम रेजिस्टेंस लेंगे और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस पिन के साथ कुछ इस तरह सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, एक पीस ब्लैक वायर लेंगे और ट्रांजिस्टर के इमिटर पॉइंट के साथ कुछ इस तरह सोल्डर कर देंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों देखिए, एक पीस स्पीकर लेंगे, 3 वाट की स्पीकर है और ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ कुछ इस तरह सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, ऑडियो केबिल लेंगे और ऑडियो केबल के जो ब्लैक वायर है उसको हम कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ कुछ इस तरह सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, पॉजिटिव वायर को हम ट्रांजिस्टर के इमिटर टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो दो वायर बचा हुआ है ये है पावर सप्लाई की दो वायर, यहाँ से 5 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट तक आप पावर सप्लाई दे सकते हो। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर हीट होता है, इसलिए एल्यूमिनियम हीट सिंक के ऊपर इसको अच्छे से लगा लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये एक बहुत ही छोटा सा ऑडियो सर्किट है और इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों हमारा कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है, तो चलिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छे लगे तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।